और वर्तमान के क्षण को भविष्य के क्षण के माध्यम से जो आता है उसको जो संभालते हैं क्यों ये वर्तमान क्षण भूतकाल बन जाता है। इसलिए काल के निरंतर प्रवाह में हमें जितना भी समय जितना भी साधन जितनी भी सुविधाएं मिले हम जीवन में ऐसा उच्च आदर्श उपस्थित कर सकें एक मानव मन की एक ऐसा मूल्य स्थापन कर सकें एक ऐसी साधनाएं कर सकें जीवन की ऐसी उदात्त क्रियाएं कर सकें जिसके माध्यम से हम एक सामान्य मानव नहीं बने रह सकें हम एक सामान्य पुरुष बनकर के जीवित नहीं रहे अभी तो पुरुषोत्तम बन सकें और जो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषोत्तम बनता है पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बन सकता है जिनके कार्यों से और साधनाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान पीढ़ियां आलोकित होती हैं। ऐसे ही व्यक्ति सही अर्थों में सौभाग्यशाली होते हैं उनकी माताएं धन्य होती हैं जो इस प्रकार के योग्यतम पुत्रों को उत्पन्न करती हैं और ऐसी धरती जहां इस प्रकार की साधनाएं संपन्न होती हैं उस गौतम ऋषि के इस आशीर्वाद भरे शब्दों को लेकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ये 3 दिन आपके लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हो ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। एक बार भगवान बुद्ध के गांव में गए और गांव वालों को पूछा कि यहां कोई महापुरुष पैदा हुआ है। गांव वालों ने कहा कि यहां तो सब बच्चे पैदा होते हैं महापुरुष तो कोई पैदा ही नहीं होता महापुरुष पैदा होते नहीं महापुरुष तो बनते हैं चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो चाहे ईसा हो चाहे जगदीश हो जब पैदा हुए तब वो उसी प्रकार से पैदा हुए उसी प्रकार के थे जिस प्रकार से आप थे आपके पैदा होने के तरीके में और उनके तरीके में कोई अंतर नहीं था उनके भी 2 हाथ 2 पांव 1 दिमाग और जो जीवन की विषमताएं आपके जीवन में है अभाव जो आपके जीवन में है परेशानियां और बाधाएं आपके जीवन में है वो उनके जीवन में भी रही है। जब बिना बाधाओं और बिना परेशानियों के वे जीवन में उत्कर्ष प्राप्त कर ही नहीं सके और वे सामान्य बालक के रूप में जन्म लेकर के यदि महापुरुष बन सकते हैं आने वाली पीढ़ियां उनको धारण कर सकती हैं आज हम यहां बैठ करके भी उनके वचनों को उनके शब्दों को स्मरण कर सकते हैं तो आप भी ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन के मूल्यों को साधना में लगा करके आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन सकते हैं। आज का युग भले ही आपको नहीं पहचान सके क्योंकि ज्ञान और साधना जीवन की उन्नति और जीवन का सौभाग्य और ब्रह्मांड के वे रहस्य जो अपने आप में अद्भुत और विचित्र है वे आप लोग नहीं सोच पाएंगे इसलिए नहीं सोच पाएंगे कि आप लोगों ने अभी पूरी तरह से जीवन जीना सीखा नहीं आप केवल उत्पन्न हुए उत्पन्न होना अपने आप में कोई महान घटना नहीं है कृष्ण का उत्पन्न होना अपने आप में कोई महान घटना नहीं थी राम का उत्पन्न होना भी अपने आप में कोई महान घटना नहीं थी घटना तो तब बनी जब उन्होंने अपने जीवन में शांति पर आश्रम में या विश्व आश्रम में साधनाएं संपन्न की साधनाएं कृष्ण को भी संपन्न करनी पड़ी
ईश्वर के चरणों के तले उनको गुरु मान करके और ठीक उसी प्रकार से शिष्यों की तरह कार्य संपन्न करके उस साधना उस ज्ञान उस चिंतन को सीखा जिसके माध्यम से उन्होंने जीवन में विजय प्राप्त की, जीवन में सौभाग्य प्राप्त किया, जीवन की उन्नति प्राप्त की। और यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर उज्जैनी में कृष्ण ने भी सान्निध्य आश्रम में एक सामान्य बालक की तरह रहे, जंगल से लकड़ियां बीन करके लाए, गुरु की सेवा की, साधनाएं संपन्न की और जीवन में उस स्थान पर पहुंचे जो अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि आने वाला पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियां और युद्ध उनको कृष्ण मंदिर जगत गुरु के शब्द से संबोधित किया। तो यह स्पष्ट है कि जीवन के उदात्त मूल्य साधनाओं के माध्यम से ही संपन्न हो सकते हैं, जीवन के उदात्त मूल्य धन के माध्यम से संपन्न नहीं हो सकते। धन के माध्यम से संपन्न होते तो दशरथ को हम बहुत पूजा जाता और दशरथ के मंत्र बनते, राम के पीछे दशरथ के पास धन क्या जाता है। और भी कई उस समय भगवान होंगे फिर बिड़ला जी के मंदिर बनते और उनके आरती उतर जाते, फिर डाटा के मंदिर बनने होते, बड़े से बड़े ऋषि और मुनि योगी यति और डाटा बिड़ला उनके भी अगर शिव है तो राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर के चरणों में झुकते हैं। किस लिए? उन्होंने अपने जीवन में साधनाओं को आधार बनाया, पैसों को आधार नहीं बनाया। पैसा तो जीवन का एक जीवन यापन करने का एक तरीका है, जीवन को सुविधा देने का एक प्रकार है, पैसा कुछ नहीं। मगर जो जीवन में एक बार ये निश्चय कर लेता है कि मैं साधनाओं के माध्यम से उस जगह पहुंचूंगा, उस जगह का शिष्य को पता नहीं होता कहां पहुंचूंगा, किस रास्ते से चलना है, इससे सैकड़ों मत मतांतर है। जहां जाते हैं 20-25 गुरुओं के फोटो लगे होते हैं, यदि हम एक अखबार निकाल दें या कोई अखबार पढ़े तो उसमें 20 गुरुओं के प्रवचन पढ़े लिखे होते हैं, सैकड़ों पैम्फलेट छपे होते हैं और हजारों हजारों गुरु पूरे भारतवर्ष में विचरण करते रहते हैं। गुरुओं की कोई कमी नहीं और गुरुओं की कमी राम के समय में भी नहीं थी, गुरुओं की कमी कृष्ण के समय में भी नहीं थी। मथुरा में और काशी में और हरिद्वार में तो गुरुओं की आदमी का महत्व ज्यादा है। अगर इतने अधिक गुरु मथुरा में थे, वृंदावन में थे, गोकुल में थे, हरिद्वार में थे, उत्तर प्रदेश में थे, तो कृष्ण उन सबको छोड़ करके सांदीपन तक क्यों पहुंचा, उज्जैन भी क्यों पहुंचा, गुरु तो वहां भी मिल सकते थे, उसमें तो कोई जूनता थी नहीं, क्योंकि वहां तो एक सांदीपन मिला। मथुरा में तो सैकड़ों गुरु थे, आज ही अगर आप चले जाए तो गाड़ी पर आपको 500 गुरु मिल जाएंगे, हरिद्वार में मिल जाएंगे तो मथुरा से 500। और जब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कृष्ण को पूछा कि मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाया कि आप अपनी जन्मभूमि छोड़कर इतने दूर स्थान पर जाकर सान्निध्य के चरणों में बैठकर साधनाएं संपन्न की, इसकी क्या जरूरत है? गुरु तो मथुरा में थे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे सैकड़ों थे, संगम पर थे जो कि आपके नजदीक थे, जहां आपका राज्य था, मथुरा में आपका राज्य था, आप भवानीदेव के पुत्र थे, आप किसी भी गुरु को बुला लेते और उनके पास बैठ करके साथ में सीख लेते। कृष्ण ने एक बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से इसका उत्तर दिया है। पूर्णमयी तुल्यम सदैव मिथल गुरु मेघमयी पलामि। उनका भीष्म गुरु को सैकड़ों मिल जाएंगे,
सदगुरु तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, और जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन का कल्याण, जीवन की उन्नति हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरु की जरूरत नहीं है मुझे, गुरु की जरूरत होती तो मैं वहां से प्राप्त कर सकता था, और मेरे पास इतनी संपत्ति थी क्योंकि वास्तविक राजा थे, थोड़ा थे मैं राजा का पुत्र था, कल का मैंने वध किया था तो मैं राजा बनता ही। मैं किसी भी गुरु को बुला सके और ये साधना सीख सकता था, मगर जीवन जब दौड़ रहा हो, हमारा जीवन जब चल रहे हो, तब उन गुरुओं की भीड़ में कभी कभी एक आध सदगुरु दिखाई देगा, हजारों सदगुरु दिखाई नहीं देंगे, करोड़ों सदगुरु हो ही नहीं सकते, वह तो कई हजार वर्षों बाद जन्म लेता है। इसलिए कि वह जीवन के मूल्यों को अपने पर स्थापन करना चाहता है। सांदीप ने पूछा कि तुम क्या सीखना चाहते हो, कृष्ण कहा कि ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, मानता, दर्शन, गत जीवन की कला है, युद्ध कला, जीवन यापन करने की कला, ब्रह्म से साक्षात करा, ब्रह्मांड के रहस्य, ये सब कुछ सीखना चाहता। तो एक छोटे से प्रश्न उसको मैं बहुत कुछ उत्तर समाये। सदगुरु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि तुम क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ सीखना चाहेगा मैं सिखा सकूंगा, मेरे पास वह विद्या भी होगी जो ये जानना चाहेगा। हो सकता है इसकी कुछ और इच्छा हो, एक गुरु केवल गुरु को एक ही ज्ञान होगा, गुरु को 500 ज्ञान भी हो सकते, आप दूसरा में जाएंगे तो केवल गीता का प्रवचन सुनेंगे या महाभारत के पास सुनेंगे, या आपको किसी बात की एक राज्य मंत्र का ध्यान है तो ज्ञात मंत्र की ध्यान सुनाएंगे, मगर इससे जीवन के मूल्य स्पष्ट नहीं हो सकते। तुम क्या सीखना चाहते हो, और शिष्य को अगर ये सब ज्ञात हो ही जाता कि मैं क्या सीखना चाहता हूं तो मैं शिष्य रहता ही हूं, अगर मिट्टी को ये मालूम हो ही जाए कि मैं जीवन में क्या बनूंगा तो फिर वो मिट्टी रहेगी नहीं, वह तो मिट्टी एक सदगुरु के आदमी जाती है, कुमार के आदमी जाती है, और कुमार उसको बदलता है, पानी डालता है, मरोड़ता है, तोड़ता है, पीटता है, भिगोता है, मिट्टी बोलती नहीं, कुछ जवाब नहीं मिलती, वो ऐसा आप ही नहीं करती, ठीक नहीं निकालती, क्योंकि वो जानती है तो सही सही व्यक्ति की आदमी है, यदि वो पीट भी रहा है मुझे तब भी इसका कोई अर्थ है, कोई मूल्य है, अकारण नहीं पी पा रहे। और उसके बाद कुमार उस मिट्टी से एक सुंदर दिया बना देता है, और वह दिया हजारों लोगों को रोटी दे देता है, उस मिट्टी से एक अच्छा घड़ा बना देता है, और घड़े से ठंडे जल से सैकड़ों लोगों की प्यास बुझती है। उस मिट्टी को यह ज्ञान नहीं था कि मैं हजारों लोगों की प्यास बुझा सकूंगा, क्या मैं हजारों लोगों को रोटी दे सकूंगा, ये तो कुमार पर निर्भर। कभी ने कहा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोद, भीतरी भीतरी सहज के बाहरी बाहरी को, भीतर हाथ लगाता रहता, भीतर सहलाता रहता है, ऐसा नहीं कि टूट जाए बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, तो गुरु का अर्थ यही है कि वह जीवन को उसके जीवन को समझता रहता है, बात से जोड़ करता रहता है, बड़ी गर्मी में उसको